तो हमारी जो वोकैब की सीरीज चल रही थी उसका ये छठवां वीडियो है, यानी कि सिक्स्थ पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम जो ओवर का जो डाउट है उसको क्लियर करने वाले हैं। देखिए, ओवर को आप हर जगह पर देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका जो प्रयोग है वो मिल ही जाता है। तो आज के बाद आप कभी भी ओवर में कन्फ्यूज नहीं होंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे। ओवर के जितने भी टाइप्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर, ओवर हेयर, ओवर देयर, ओवर टाइम, इस तरह से जो भी कुछ है सबको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को देखेंगे, जो है आपका ओवर, जिसका मतलब होता है कि आप इसको तब यूज करेंगे जब या तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी, और जब वो चीज ऊपर होगी तो आपको याद रहे कि आपको ओवर का इस्तेमाल तभी करना है कि वो ऊपर तो है लेकिन वो उसको छुए ना। अब जैसे मान लीजिए कोई पुल होता है, ब्रिज होता है, अब वो पुल क्या करता है, वो किसी नदी के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब क्या करता है, नदी का जो पानी है वो पुल को छूता नहीं है, यानी कि नदी का पानी बहुत नीचे होता है और पुल ऊपर होता है, तो उसको हम ओवर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप मान सकते हैं कि आप मान लीजिए अपने रूम में बैठे हैं और आपके रूम में जो आपका पंखा है, जिसे आप फैन बोलते हैं इंग्लिश में, आपका पंखा है या फिर आपकी जो छत है, तो उसमें क्या है कि वो आपके सिर को टच नहीं कर रही है, यानी कि आपके ऊपर है लेकिन आपको टच नहीं कर रही है। तो जब कोई चीज किसी को ऊपर होगी लेकिन उसको छूती नहीं है तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारे सिर के ऊपर छत है, ठीक है, तो इस ऊपर को दिखाने के लिए हमें ओवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस बोलेंगे, देयर इज अ रूफ ओवर अवर हेड्स, हमारे सिरों के ऊपर क्या है, एक छत है, ठीक है। जैसे कि नदी के ऊपर पुल है तो बोलेंगे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो मैंने आपको बताया था ये जो पुल है इसको बोलने के लिए हमने ओवर का इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि ये जो पुल है ये नदी के पानी को छूता नहीं है, नदी को छूता नहीं है बल्कि उसके ऊपर से जाता है, ठीक है। अब जैसे हवाई जहाज है, एरोप्लेन, आप देखते ना आसमान में कई बार उड़ते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो मतलब वो हमारे सर के ऊपर तो है लेकिन वो हमें छू नहीं रहे, इसलिए हम उसको बताने के लिए भी ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वह मेरे सिर के ऊपर था तो आप बोलोगे दैट वॉज ओवर माई हेड, तो मतलब कोई चीज थी, मान ली कोई पक्षी था, कोई एरोप्लेन था, या फिर कोई पतंग थी, कोई कीड़ा था, तो मतलब वो आपके सिर के ऊपर था, यानी कि आपको छू तो नहीं रहा था लेकिन आपके ऊपर था। बोलते ना भाई वो मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर था, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था, तब बोल सकते हैं दैट वाज ओवर माय हेड। अब देखिए, आपने एक चीज और देखी, जब पास्ट में था तो हमने वाज वर्ब का इस्तेमाल किया, और जब प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाए हैं तो हमने इज का यूज किया है, यानी कि प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओवर का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है लगातार बिना रुके, जब कोई चीज कंटिन्यूटी में होती है, लगातार होती है, बिना रुके होती है, तो उस चीज को आप ओवर एंड ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सर आप बिना रुके बोलते हैं, आप बिना रुके रोजाना वीडियो डालते हैं, यानी कि मैं रुकता नहीं हूँ, एक भी दिन कंटिन्यूअस जो कंटिन्यू जो मेरी वीडियोज हैं वो रेगुलर आती हैं, ठीक है। तो ओवर एंड ओवर का मतलब होता है लगातार बिना रुके। देखिए, वह लगातार खेल रही है तो बोलेंगे सी इज प्लेइंग ओवर एंड ओवर, सी इज प्लेइंग ओवर एंड ओवर। अब देखिए, यदि आपको टाइम पर ओवर एंड ओवर याद ना आए तो आप रिपीटेडली का भी यूज करते हैं, है ना, कंटिन्यूटी का भी यूज करते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं ना, तो अगेन एंड अगेन का यूज भी करते हैं, कई बार बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज कर लेते हैं, तो जो आपको आपके टाइम पर मिल जाए, जो आपको याद आ जाए, उसी को आपको वाक्य में लगा देना है, ठीक है। तो वह लगातार खेल रही है, सी इज प्लेइंग ओवर एंड ओवर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है जो, ये कौन से टेंस में है आपको पता चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कौन सा सेंटेंस है और कौन से टेंस का है। ये जो सेंटेंस है ये है आपके प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। सर हमें कैसे पता चला या फिर आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस ही है? तो आप जानते हैं ना, इजमार का इस्तेमाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल, बताइए कहां पर करते हैं? सर सही बोला आपने, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, इसके साथ आईएनजी, तो सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है ओवर एंड ओवर, लगातार बिना रुके खेल रही है, ठीक है। वो लगातार बोल रहे थे। अब देखिए, हिंदी में तो आपको समझ में आ गया पास्ट का है, बोल रहे थे, थे पास्ट की बात बता रहा है ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे दे वर स्पीकिंग ओवर एंड ओवर, दे वर स्पीकिंग ओवर एंड ओवर, वो लगातार बोल रहे थे, ठीक है। तो ये है आपके पास्ट का कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट में हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, और प्रेजेंट में इज एम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। हम लगातार पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे
वी हैव बीन स्टडिंग ओवर एंड ओवर, हम लगातार पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपने मतलब पास्ट में किसी समय से ही तो स्टार्ट किया होगा पढ़ना, तो इसलिए आप बोल सकते हैं वी हैव बीन स्टडिंग ओवर एंड ओवर, हम लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवर एंड ओवर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कई बार आपने ओवर हेयर ओवर देयर इनका इस्तेमाल भी देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इनका यूज करते हैं भाई ओवर हेयर ओवर देयर, है ना। तो इनको भी देख लेते हैं। ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर। अब देखिए मान लीजिए आपके घर में कोई चीज है, ठीक है, और वो जो चीज है वो अभी बिल्कुल नई नई आई है और जो उनको लेकर आने वाले था वो बिल्कुल आपके गेट पर खड़ा है और वो आपसे पूछ रहा है कि सर मैं इसको कहाँ पर रख दूँ, तो आप बोलोगे इसको वहां पर रख दो, वो है इसकी जगह, है ना। अब आपने इशारा करके बता दिया वहां पर रख दो, यानी कि आपने उसकी एक फिक्स जगह बता दी कि भाई ये वहां पर रखा जाता है, इसको वहां पर रख दो, तो मतलब उस जगह को बताने के लिए आप ओवर देयर का यूज करेंगे। ठीक है, किसी जगह को बताने के लिए या फिर किसी मतलब आप बोलते हैं ना किसी मतलब किसी वस्तु का कोई पर्टिकुलर प्लेस है कि वो वहीं पर रखी जाएगी उसको बताने के लिए, वैसे तो आप सिंपल देयर का यूज भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन जब आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई इसको अंग्रेजी जो अंग्रेजी है वो अच्छे से आती है। ठीक है, ओवर देयर वहां पर, देखिए वह वहां पर होनी चाहिए तो बोलेंगे इट शुड बी ओवर देयर, इट शुड बी ओवर देयर, तो वह वहां पर होनी चाहिए। तो देखिए हमने शुड का इस्तेमाल किया है, शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, चाहिए वाले सेंस में। चाहिए वाले सेंस में कब, जब आप किसी को राय देते हैं या फिर किसी से कोई राय लेते हैं। अब यहां पर ये राय तो दे रहा है वह वहां पर होनी चाहिए, किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है कि भाई वो जो वस्तु है ना वहां पर होनी चाहिए, तो बोलेंगे इट शुड बी ओवर देयर, राहुल वहां खेलता है। आपने इशारा करके बताया राहुल वहां पर खेलता है, उस वाले पार्क में उस वाले गार्डन में, है ना, वहां पर खेलता है राहुल, तो बोलोगे राहुल प्लेस ओवर देयर। ठीक है, राहुल प्लेस ओवर देयर। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो मॉडल का है तो उसमें तो कोई टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है ये है आपके प्रेजेंट के किसका है बताइए, प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आई है उसमें देखिए एसीआई से लगा हुआ है और कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यही पहचान है किसकी, प्रेजेंट के इंडेफिनेट की। ठीक है, रामू वहां पढ़ रहा है तो बोलेंगे रामू इज स्टडिंग ओवर देयर, रामू इज स्टडिंग ओवर देयर। अब आपसे किसी ने पूछा भाई रामू कहां पर है और रामू वहां पर क्या कर रहा है, तो आप बोले रामू इज स्टडिंग ओवर देयर, रामू वहां पर पढ़ रहा है। ठीक है, तो ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर। देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने जो इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा, और जो प्राइस है वो सिर्फ 299 है, बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल सबसे कम प्राइस है इसका। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स भी चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अपनी इनको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर हेयर। अभी हमने देखा था ओवर देयर, देयर का मतलब होता है वहां, हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो ओवर देयर का मतलब हमने बोला था वहां पर, ओवर हेयर का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो हम किसी नजदीक की वस्तु की बात करेंगे, नजदीक के प्लेस की बात करेंगे तो ओवर हेयर, दूर की बात करेंगे तो ओवर देयर। देखिए वो यहाँ बैठता है तो बोलो कि ही सिट्स ओवर हेयर, ही सिट्स ओवर हेयर, वो यहाँ पर बैठता है, वो यहाँ पर होगा, तो बोलेंगे दैट मे बी ओवर हेयर, दैट मे बी ओवर हेयर, यानी कि वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमने मे बी का यूज क्यों किया, क्योंकि आपको ना जो है मतलब पूरी तरह से विश्वास नहीं है, पक्का पता नहीं है, आप अंदाजा लगा रहे हो, इसलिए आपने मे का इस्तेमाल किया। ठीक है, रामू यहाँ खेल रहा है तो बोलेंगे रामू इज प्लेइंग ओवर हेयर, रामू इज प्लेइंग ओवर हेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवर हेयर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ओवर देयर का वहां पर। ठीक है, तो नजदीक के लिए ओवर हेयर, दूर के लिए ओवर देयर। नेक्स्ट है ओवर टाइम। ओवर टाइम आपने कई बार देखा होगा ना, आपके जो फादर हैं जो कहीं कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, जहां पर आप होंगे बहुत से जो आपके घर में आपके बहुत से मतलब ऐसे लोग होंगे जो आपके आसपास हैं और वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, और वो कई बार क्या बोलते हैं आपसे कि भाई हम ओवर टाइम करेंगे आज। ओवर टाइम का मतलब है आज हम ज्यादा समय तक काम करेंगे, ओवर टाइम का मतलब है ज्यादा समय तक। ठीक है, यानी कि ओवर टाइम, टाइम से ज्यादा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भाई तुम्हारा टाइम ओवर हो रहा है, यानी कि जो समय है जो निश्चित समय है उससे ज्यादा तुम्हारा टाइम हो रहा है, तो इसलिए आप ओवर टाइम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं बहुत देर तक पढ़ता हूँ, आई स्टडी ओवर टाइम। ठीक है, बहुत देर तक, ज्यादा समय तक। वह बहुत देर तक काम करता है, ही वर्क्स ओवर टाइम, ही वर्क्स ओवर
टाइम, ठीक है। पापा बहुत देर तक देखते हैं, तो बोलेंगे पापा वॉचेस ओवर टाइम। क्या देखते हैं? कोई मूवी वगैरह होगी, कोई सीरियल होगा, कोई फिल्म वगैरह होगी, तो उसी को देखते हैं। तो पापा बहुत देर तक देखते हैं, पापा वॉचेस ओवर टाइम, ही वर्क्स ओवर टाइम, आई स्टडी ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब ज़्यादा समय तक, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक। नेक्स्ट है, अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस दूंगा और इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह वहाँ सोता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि वह वहाँ सोता है, इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।